गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम शारदा प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर मैकेनिकल डिपार्टमेंट, भारती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। आज का टॉपिक है, सब्जेक्ट है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का और डिप्लोमा सिक्स है और टॉपिक है न्यूमिकल ऑन एस्टिमेशन इन फोर्जिंग शॉप, फोर्जिंग शॉप से रिलेटेड न्यूमिकल। अब क्वेश्चन है, 150 पीसेस ऑफ शाफ्ट आर टू बी ड्रॉप फोर्स फ्रॉम अ बार स्टॉक ऑफ 2 सेंटीमीटर डायमीटर। एस्टिमेट द टोटल कॉस्ट इन फर्स्ट, मटेरियल कॉस्ट 5.20 पर मीटर, फोर्जिंग चार्जेस 120.50 पर मीटर स्क्वायर ऑफ सरफेस आर टू बी फोर्स, ओवरहेड चार्जेस 100% ऑफ फोर्जिंग कॉस्ट, एज्यूम ऑल द पॉसिबल लॉसेस। ये डायग्राम दिया हुआ 75 mm, 10 mm, 25 mm और 125 mm, 75 mm एंड 10 mm। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हमको फाइंड करना है टोटल एस्टिमेट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट फाइंड करना है। अब आगे देखते हैं, हमको सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट फाइंड करना है। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट के लिए नेट वॉल्यूम निकालना है फिनिश शाफ्ट का। इस पूरे शाफ्ट का क्या निकालना है, नेट वॉल्यूम। नेट वॉल्यूम क्या है, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। डी स्क्वायर करेंगे तो एरिया निकलेगा, इंटू एल करेंगे तो मल्टीप्लाई एरिया इंटू लेंथ करेंगे तो वॉल्यूम निकलेगा। तो वॉल्यूम के लिए पाई बाई 4, डी कितना है 10, इसको चेंज कर देंगे सेंटीमीटर में 1, और इसको भी चेंज कर लेंगे तो कितना आएगा 7.5। ये इसके लिए हुआ। फिर y by 4 2 स्क्वायर 12.5 कितना है, t प्लस y by 4 इंटू 1 स्क्वायर इंटू 7 50.66 सेंटीमीटर की पावर क्यूब आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद टोटल वॉल्यूम पहले वाले का y by 4 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू 7.5 प्लस y by 4 20 को चेंज कर लेंगे किसमें, सेंटीमीटर को, मिलीमीटर को चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर में, तो 2 का स्क्वायर इनटू इसको भी चेंज कर लेंगे 125 को कितना आएगा 12.5। थर्ड वाला है पाई बाई 4 इनटू 1 का स्क्वायर इनटू 7, तो सॉल्व करने के बाद आएगा 50.66 सेंटीमीटर की पावर 2। अब स्केल लॉस, स्केल लॉस एज्यूमिंग 5% ऑफ नेट वॉल्यूम, तो इसका 5% निकालेंगे 50.66 5 / 100 कितना आएगा 2.535 सेंटीमीटर की पावर क्यूब। ये हमारा आएगा नेट वॉल्यूम, यह है स्केल लॉस। स्केल लॉस कितना है 2.535 सेंटीमीटर की पावर क्यूब। अब जितने भी लॉस है, स्केल लॉस, स्क्रू लॉस, शियर लॉस, फ्लैश लॉस, ये सब पूरे हमको निकालने हैं, करके देखते हैं। स्केल लॉस हो गया। अब स्क्रू लॉस एज्यूमिंग 7% ऑफ नेट वॉल्यूम, 7% ऑफ नेट वॉल्यूम 50.66 इंटू 7 डिवाइड बाई 100 3.456 सेंटीमीटर का क्यूब। ये आया बी वन। अब शेयर लॉस, शेयर लॉस के लिए भी हमको क्या करना रहता है, 5% ऑफ नेट वॉल्यूम लेना पड़ता है। तो नेट वॉल्यूम कितना था 50.66 इंटू 5 डिवाइड बाई 100 2.533 सेंटीमीटर की पावर क्यूब। डी आई फ्लैश लॉस, फ्लैश लॉस क्या होता है, एज्यूम द फ्लैश विड्थ 2 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 0.3 सेंटीमीटर। तो पेरिफेरी ऑफ पार्टिंग लाइन डाइज 2 इंटू 0.3, तो 2 1 प्लस ये 1 आएगा, इसका 7.5, ये 0.5, फिर ये 12.5, फिर 0.5, फिर 7, इस तरीके से आएगा। ये 0.5 ले लिया हमने, कितना ले लिया, 1 ले लिया एक तरफ से। अब इसमें जितना भी है इसका हाफ किया था, हाफ को कितना मल्टीप्लाई कर लिए 2, तो 2 ऑफिस के बाद हमको क्या चाहिए था 2 सेंटीमीटर एंड
0.3 सेंटीमीटर, तो 2 × 0.3 का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे पेरिफेरी में, पेरिफेरी मतलब जितना पूरा आउटर पार्ट है उसका पूरा लेंगे, तो कितना है 34.8 सेंटीमीटर की पावर क्यूब। तो इस तरीके से हमको स्केल लॉस, स्क्रू लॉस और शेयर लॉस और फ्लैश लॉस मिलता है। अब आगे देखते हैं टॉम लॉस। टॉम लॉस में क्या होता है, एज्यूम 2 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ बार स्टॉक फॉर शाफ्ट, तो 5/4 × 2 × 2 इज इक्वल टू 6.28 सेंटीमीटर की पावर क्यूब। ग्रॉस वॉल्यूम रिक्वायर्ड फॉर इस शाफ्ट, ग्रॉस वॉल्यूम निकालने, नेट वॉल्यूम प्लस लॉसेस, नेट वॉल्यूम निकाले थे हमने 50.66 निकाला था, और जितने भी लॉस हैं तो हमारे पास 2.53 आया था, 2.53, 3.56, 34.8 इसके पहले निकाला था, और 6.2 हमारा क्या है टॉम लॉस है। तो टॉम लॉस निकालने के बाद वैल्यू आई 100.35 सेंटीमीटर की पावर क्यूब, ये ग्रॉस वॉल्यूम रिक्वायर्ड फॉर ईच शाफ्ट। अब आगे चलते हैं ग्रॉस वॉल्यूम रिक्वायर्ड फॉर ईच 150 शाफ्ट के लिए निकालना है, तो 150 × 100 × 3.35 तो 101502.5 सेंटीमीटर की पावर क्यूब। लेंथ ऑफ बार स्टॉक रिक्वायर्ड 152.5 का, हमारे पास डाया कितना था 2 सेंटीमीटर, 5/4 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, तो वैल्यू आएगा 4791.35 सेंटीमीटर, उसको चेंज कर लेंगे मीटर में तो 47.91 सेंटीमीटर आ गया। अब द मटेरियल कॉस्ट एट द 5.2 पर मीटर, तो जितना भी वैल्यू आया था उसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 5.20 पर, तो कितने रुपए का होगा 249.13 रुपीज का ये हमारा मटेरियल कॉस्ट होगा। अब क्या निकालेंगे, सबसे पहले फाइंड करेंगे फोर्जिंग कॉस्ट, फोर्जिंग कॉस्ट सरफेस एरिया ऑफ ईच शाफ्ट। हमने एक हमारे पास शाफ्ट ये था और इधर इधर था, तो सबसे पहला वाला पार्ट क्या था 5/4 × 1 का स्क्वायर, फिर ये तो इसका एरिया हुआ सामने से, फिर इसका क्या हुआ इसका वॉल्यूम निकालेंगे 5/4 × 1 × 1 × 7.5 यानी 2π आ, यानी सर्कमफ्रेंस पूरा निकालना पड़ेगा, फिर 5/4 ये 2 है, फिर ये 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर 5/4 × 2 × 2.5, फिर 5/4 × 2 − 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1 × 7, फिर 5/4 × 1 का स्क्वायर। तो ये जितना दिया हुआ था वैल्यू हमने उसको देख के पूरा निकाला है सरफेस एरिया, तो 130.38 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको चेंज कर लेंगे तो 130.38 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ 150 × 130.38 × 10⁻⁴ वैल्यू आएगा 1.96 मीटर स्क्वायर। द फोर्जिंग कॉस्ट ऑफ 150 शाफ्ट एट द रेट 120.50 पर मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया, 1.96 × 120.50 तो 236.1। तो ये हमारा क्या है फोर्जिंग कॉस्ट आया 150 के लिए। अब ओवरहेड एक्सपेंसेस, ओवरहेड एक्सपेंसेस आर 100% ऑफ फोर्जिंग कॉस्ट, इस ओवरहेड एक्सपेंसेस 236.18। द टोटल कॉस्ट निकालेंगे 150 का साफ, द मटेरियल कॉस्ट प्लस फोर्जिंग कॉस्ट प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस, तो तीनों वैल्यू को रखेंगे तो 249.13, 236.18 प्लस 236.18
वैल्यू आएगी 721.49 आएगी, जो टोटल कॉस्ट ऑफ 150 साउंड। थैंक यू।